डॉक्टर जैन, वर्ल्ड हार्ट डे पे आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जनता के लिए? देखिए डॉक्टर रश्मि, हम लोग एक टेस्ट कराते हैं HCCRP। जब सौरभ गांगुली को अटैक आया तो नरेंद्र मोदी ने शेट्टी साहब को भेजा, तो शेट्टी साहब ने सौरभ गांगुली से कहा कि आप, हिंदुस्तान आपको सुनना चाहता है, आप कुछ एक बात बताइए जिससे कि उनकी वो हालत ना हो पाए जो आपको हुई। तो मैसेज था कि साल में एक बार टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एक टेस्ट है ब्लड का टेस्ट, अच्छी लैब्स करती हैं, उसका नाम है HCCRP। ये हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को बताता है। अगर ये रिस्क एक से कम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान ली इस टेस्ट की रीडिंग 3 आती है, इसका मतलब आपको 3 गुना रिस्क है हार्ट अटैक का आम पब्लिक के कंपैरिजन में। अगर ये 6 है तो 6 गुना रिस्क है, अगर 10 है तो 10 गुना रिस्क है। तो उसके मतलब है तब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया अगर मुझे बचना है तो मुझे कुछ अपनी हेल्थ के लिए करना पड़ेगा। 3 डेथ्स में 1 डेथ हार्ट अटैक के कारण होती है, 1 डेथ। 33% डेथ्स हार्ट अटैक के कारण होती है और 90% लोग अस्पताल जाने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। 1/3 डेथ्स कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक से होती है, कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक से, और 1/3 जो डेथ है उसमें सब आ गए बीमारी। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि हार्ट अटैक, हिंदुस्तान के लोग कहीं पर भी चले जाएं, उनकी ये जो टेंडेंसी है हार्ट अटैक की बहुत ज्यादा है, इसको जरूर सुने और जरूर अमल करें। और मोटापा तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है।